अपने सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर लिए चलते हैं, कुछ तस्वीरें वहां से दिखाते हैं। टीम नजर आएगी जो लगातार उनकी समस्याओं को सुन रही है, सड़कों से संबंधित जितनी भी समस्याएं उसके लिए, तो एक पूरा बजट उन्होंने जारी कर दिया। उसमें उन्होंने बताया जा रहा है, यही जनता से संवाद स्थापित करके, कि सड़कों के लिए तो बजट जारी हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए बजट जारी हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण महकमा स्वास्थ्य सेवाओं का, क्योंकि मौसमी बीमारी जिस तरह से तेजी से फैल रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पीएचसी और सीएचसी क्रमोन्नत किया जाए, जो दूसरे अस्पताल है उनमें भी विस्तार किया जाए। तो कोशिश ये भी है कि मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए लोगों को किस तरह के उपाय स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, उसको लेकर के भी यहाँ परिवेदनाएं सामने आ रही हैं। एक पूरा 16 सिविल लाइन्स के ऊपर इस समय सैकड़ों की तादाद में यहाँ खातीपुरा मंडल जो है उसके यहाँ पर कार्यकर्ता और जो तमाम जो आम जन है वहाँ के मौजूद है, क्योंकि देखिए विद्याधरनगर विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो कोशिश ये की जा रही है कि एक साथ सबको ने बुला करके पार्ट वाइज यानी अलग मंडलवार सबको बुलाया जाए। तो यही कारण है कि उससे सुव्यवस्थित व्यवस्था भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब एक मंडल के कार्यकर्ता आते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, जबकि अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र को बुला लिया जाए तो उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आज पूरा मंडल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सड़कों से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, बिजली से जुड़ी समस्याएं, पेयजल से जुड़ी समस्याएं, ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को लेकर के सर्वाधिक जो परिवेदनाएं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो हाथों हाथ सुन रही है, उनके साथ अधिकारियों की जो टीम मौजूद है उसको डायरेक्शन दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो समस्याएं इस तरह की हैं जिनका हाथों हाथ निस्तारण किया जा सकता है, उन समस्याओं को तो हाथों हाथ निस्तारित किया जा रहा है। जिन समस्याओं में समय लग सकता है उसके लिए उनको बाकायदा अधिकारियों को ताकीद किया जा रहा है कि वो आमजन को बताएं जो परिवेदना लेकर के आएगी कितने समय में वो समस्या दूर हो जाएगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ आया है, जो भी उनके क्षेत्र का मतदाता यहाँ आया है, वो यहाँ से संतुष्ट होकर के जाए। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने विद्यालय